लेकर आरएसएस तक हमेशा लोगों की नजर में उनकी कार्यप्रणाली खटकती रही है। पहले सबने मिलकर जनसंघ को प्रतिबंधित कराया था और अब बारी है आरएसएस की। दरअसल मुरादाबाद में माता सावित्री बाई फुले महिला ब्रिगेड ने महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचारों के लिए भगवादारी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने भगवादारियों को आतंकवादियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। बात इस संगठन की नहीं है बल्कि इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो जनसंघ के साथ भी इसी तरीके से बैन लगवाया गया था। अब भगवादारियों को इस पर गौर करना होगा। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव पुणे में शौर्य दिवस मना रहे बहुजनों पर कुछ भगवादारी आतंकियों ने पत्थरबाजी की, मारा, गाड़ियों में आग लगाई, लोगों को डंडों से मारा पीटा, जिसके विरोध में आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी के लिए डीएम मुरादाबाद के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले महिला ब्रिगेड के तत्वावधान में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें दलित मुस्लिम एकता को दर्शाते हुए हमारे साथ मुस्लिम भाई आए हुए हैं और भीम आर्मी की पूरी टीम यहाँ पर है, जिसमें कि आज हम लोग 2 बजे डीएम साहब से मिल करके इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करके ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, ये जो कुछ लोग भगवा आतंकवाद का माहौल बना रहे हैं, भगवान ना तो कभी आतंकवाद था, ना है, ना रहेगा। भगवा क्या है? भगवा सोच है एक देश के प्रति, भगवा सोच है एक संगठन के प्रति, भगवा सोच है एक भारत के प्रति। भारत में हर व्यक्ति जिसकी सोच अच्छी होगी, देश के संगठन के लिए होगी, भारत की सुरक्षा के लिए होगी, वो भगवा है। भगवा आतंकवाद नहीं सकता, ना भगवा आतंकवाद है, ना भगवा आतंकवाद नहीं होगा। संघ तो एक बहुत ही ऐसा संगठन है जो देश को, देश के विकास के विषय में सोचता है, भारतीय संस्कृति के विषय में सोचता है, वो है संघ। और रही बात इसकी, जिन लोगों ने ये प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं से पीछे से मोटिवेट है कि किस तरीके से जातिवाद का जहर भारत में घुला जाए। जब जब देश में जातिवाद की बातें हुई हैं, इस देश में एकता का नुकसान हुआ है। ये भारत सबका है, हर समाज का है और हर धर्म का है, लेकिन इसमें जातिवाद का जहर नहीं होना चाहिए। इससे हमारे, मुझे, आपको और देश के हर नागरिक को नुकसान होता है। जातिवाद का जहर नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होता है विश्व परिषद का, रजिस्ट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी का, रजिस्ट्रेशन है विद्यार्थी परिषद का, रजिस्ट्रेशन है राष्ट्रीय संसद संघ का, आईएमओ का रजिस्ट्रेशन है। संघ तो एक विचारधारा है जो हम सबको देती है, और ऐसी बातें बोलते तो उस पर तो शासन का, प्रशासन का एक्शन लेना चाहिए। अब इस देश के अंदर जातिवाद का जहर नहीं चलेगा। हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं और हमें सब इसी देश की संतान है और हमें यही दफन होना है और हमें यही जलना है।
स्मार्ट साउंड। Smart Sound. Smart Sound.